बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। क्या आपके दम में रसौलिया है या क्या आपको फाइब्रॉइड्स की वजह से कंसीव करने में प्रॉब्लम का सामना करना पड़ रहा है, तो आप परेशान ना हो। फाइब्रॉइड्स के मुकम्मल खात्मे के लिए वीडियो को आखिर तक लाजमी देखें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। नाज़रीन, आज मैं अपने प्रोग्राम में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स यानी बचा जाने के रसौले के मुतल्लिक बात करूँगा। प्रोग्राम को शुरू करने से पहले मैं तमाम खातीन को खास तौर पर कहूँगा, अपने किसी भी पेचीदा व पोशीदा इमराज से मुतल्लिक रहनुमाई के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबर्स पर कॉल कर सकती हैं। नाज़रीन, बहुत सी खातीन यूट्राइन फाइब्रॉइड्स जैसे मसले का शिकार हो जाती हैं और बाज़ इतनी तशवीशनाक सूरतेहाल बन जाती है कि यूट्रस को निकाल दिया जाता है। इसलिए मैं इन तमाम खातीन को कहूँगा कि अगर आपको ऐसा भी कोई भी मसला दरपेश है तो फौरन इसका इलाज करवाएं। यूट्राइन फाइब्रॉइड्स बाएं बन की वजह भी बन सकता है। अगर हमल भी हो जाए तो रसौलियाँ तेज़ी से बढ़ना शुरू हो जाती हैं, जिसकी वजह से हमल ज़ाया हो जाता है। नाज़रीन, सबसे पहले ये जानना ज़रूरी है फाइब्रॉइड्स क्या है। फाइब्रॉइड्स औरतों की बच्चादानी यानी यूट्रस के अंदर ये ऊपर पैदा होने वाली गैर मामूली गिल्टियाँ होती हैं। बस बात ये गिल्टियाँ बड़ी हो जाती हैं जिससे पेट में शदीद दर्द और हैवी पीरियड्स आते हैं, लेकिन बाज़ औक़ात इनकी कोई खास अलामत ज़ाहिर नहीं होती। बच्चादानी में गिल्टियाँ या ट्यूमर आम तौर पर बेज़र्र पाए जाते हैं और इनमें कैंसर की अलामत नहीं होती। तहकीक के मुताबिक 70 से 80% खवातीन में 50 साल की उम्र के बाद बच्चादानी में फाइब्रॉइड्स बन जाते हैं जिनकी अलामत ज़ाहिर नहीं होती। अब मैं यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की कुछ वजूहत का जिक्र करूँगा। गोश्त का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, गम और गुस्सा बार बार, एक्सरे शोओं से गुजरना, ज़हनी परेशानी, शादी का देर से होना, इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो फाइब्रॉइड्स की अफजाइश में मददगार साबित होती हैं। नंबर 1, हार्मोन्स। ओवरी में बनने वाले 2 किस्म के हार्मोन्स एस्ट्रोजन और प्रोगेस्टेरोन हर माहवारी के साथ यूट्रस की लाइनिंग को बढ़ाते रहते हैं और फाइब्रॉइड्स की अफजाइश का बायस बन सकते हैं। फैमिली हिस्ट्री में बच्चादानी की ये बीमारी मौरूसी भी हो सकती है। अगर आपकी नानी, माँ या बहन को ये बीमारी है तो आपको भी हो सकती है। हमल यानी प्रेगनेंसी, दौरान हमल एस्ट्रोजन और प्रोग्रेस्टेरोन की अफजाइश में इजाफा हो जाता है, इसे दौरान हमल फाइब्रॉइड्स बनने का ज़्यादा इम्कान होते हैं। अब मैं फाइब्रॉइड्स की कुछ अलामत का जिक्र करूँगा। बच्चादानी में फाइब्रॉइड्स की अलामत इनके साइज, जगह और तादाद के हिसाब से ज़ाहिर होती हैं। अगर ट्यूमर छोटा है या आपकी माहवारी बंद होने वाली है तो इनकी अलामत ज़ाहिर नहीं होगी, क्योंकि माहवारी बंद होने के बाद ये फाइब्रॉइड्स सिकुड़ भी सकते हैं। इसके अलावा पीरियड्स में हैवी ब्लीडिंग होना या जमा हुआ खून आना, कमर के निचले हिस्से या पेड़ों में दर्द होना, पीरियड्स के दौरान दर्द में इजाफा होना, पेशाब ज़्यादा आना, पीरियड्स ज़्यादा दिन तक आते रहना, पेट का निचला सा भी भरा हुआ हो या इसमें दबाव महसूस होना, पेट का बढ़ जाना या सूजन होना, ये सब अलामत यूट्राइन फाइब्रॉइड्स की हो सकती हैं। यहाँ मैं ख्वातीन का जिक्र करना चाहता हूँ जिनमें फाइब्रॉइड्स बनने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। वो ख्वातीन जिनके खानदान में बहुत सी औरतों को ये मसला हो, इसके अलावा 30 साल की उम्र से ज़्यादा उम्र वाली औरतें या वो ख्वातीन जिनका वजन बहुत बढ़ चुका हो या फिर हमला ख्वातीन में फाइब्रॉइड्स बनने के इम्कान ज़्यादा होते हैं। नाज़रीन, इसके बाद फाइब्रॉइड्स से निजात के लिए हर्बल तरीके इलाज के बारे में बताता हूँ। ख्वातीन की इस मर्ज में यूट्राइन फाइब्रॉइड्स और जनाना बांझपन की तमाम अलामत और वजूहत को मद्देनजर रखते हुए तासीर दुहाना एंड तासीर हर्बल फार्मा प्राइवेट लिमिटेड रिसर्च के शोबे रिसर्च में क्वालिफाइड हुक्मा डॉक्टर्स, लेडी डॉक्टर्स, फार्मासिस्ट और साइंटिस्ट ने हकीमा डॉक्टर तारिक महमूद तासीर के जरिए सरपरस्ती मुख्तलिफ किस्म की कीमती जड़ी बूटियों और नायाब मरकबात पर तहकीक और रिसर्च के बाद बच्चादानी के रसोलियों के मुकम्मल खात्मे के लिए हर्बल तरीके इलाज मुतारफ कराया है। इस इलाज में शामिल की गई कीमती अद्वियात हार्मोन्स को मतवाजन करती हैं, इसके बाद माहवारी में होने वाले दर्द की शिदत को कम करती हैं और माहवारी की बेकायदगी या हैज का बोझ जदाना जैसे तमाम मसाइल का खात्मा करते पीरियड्स को रेगुलर करती हैं। तासीर दुहाना का कुदरती जड़ी बूटी पर मुश्तमिल इलाज कमर के निचले हिस्से के दर्द को फौरी आराम दे और पेट पर महसूस होने वाले दबाव को ख़त्म करता है, जिससे औरत को ज़्यादा तकलीफ का एहसास नहीं होता और औरत पुरसकून रहती है। हमारा हर्बल इलाज न सिर्फ रसोलियाँ ख़त्म करता है बल्कि इसकी वजह से रहम में होने वाली सोजिश का और दर्द का भी खात्मा करता है। यह हर्बल इलाज हर तरह के साइड इफेक्ट से पाक है और मुकम्मल तौर पर कुदरती जड़ी बूटी पर मुश्तमिल है। वो खातीन जिनको रहम में दर्द होता हो, सोजिश या जलन का एहसास होता है या पेशाब जल के आता है, तासीर दुहाना के इलाज से इन तमाम मसाइल से निजात हासिल कर सकती हैं। हमारा हर्बल और बेज़र्र तरीके इलाज एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन की बढ़ती हुई मिकदार को कम करके मजीद रसोलियाँ बनने के अमल को रोकता है। हमारा कुदरती इलाज बच्चादानी की रसोलियाँ ख़त्म करके औरत को अंदरूनी और बैरूनी तौर पर सेहतमंद बनाता है, जिससे औरत कंसीव में भी जल्दी करती है। और तासीर दुहाना के इलाज में शामिल अद्वियात आपकी औलाद की सेहतमंद, खुश शक्ल और मुकम्मल खदोखाल के साथ
जन्म देने में मावन है। इस इलाज की खास बात यह है, ये माँ और बच्चे की सेहत को बरकरार रखता है। नाजीन, अब मैं कुछ खुराक और जरूरी एहतियाती तदाबीर बताता चलूँ जिन पर अमल करके ख्वातीन खुद को सेहतमंद रख सकती हैं। ताज़ा सब्जियाँ और फलों का इस्तेमाल ज़्यादा करें, फास्ट फूड कम से कम खाएं, तेज मिर्च मसाले वाले गुज़ाओं से परहेज करें। इसके साथ ज़रूरी एहतियाती तदाबीर पर अपनी हाइजीन का खास ख्याल रखें। पुरसकून और खुशगवार माहौल में रहें। मुख्तलिफ किस्म के इन्फेक्शन से बचने के लिए सफाई का खास ख्याल रखें। हल्की फुल्की वर्जिश करें। स्ट्रेस से जिस हद तक हो सके दूर रहें। वो खातिन जिनको बच्चादानी में रसौलियाँ हैं, इन्हें चाहिए कि फौरन इसका इलाज करवाएं, क्योंकि इस मास के साथ आप हमला होती हैं तो मिस कैरेज के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। हमल के साथ रसौलियों का साइज भी बढ़ना शुरू हो जाता है। इसलिए इस मसले से निजात के लिए कुदरती इलाज पर भरोसा करें। आज ही तहसीलदार तशरीफ लाएं और अपना इलाज करवाकर इस मास से निजात हासिल करें। तमाम वो खवातीन जो क्लिनिक आकर अपना इलाज नहीं करवा सकती, वो घर बैठे रिपोर्ट्स व्हाट्सएप करके यूटराइन फाइब्रोस का इलाज करवा सकती हैं, जिसके बाद आप भी अपने आंगन को बच्चों की मुस्कुराहट से महकाएं। मजीद मालूमात और रहनमाई के लिए हमारा यूट्यूब चैनल तासीर दोहाना ऑफिशियल विजिट करें और नीचे दिए गए नंबर पर रब्ता करके अपना मसला बता सकती हैं। उम्मीद करता हूँ आज के प्रोग्राम से आपको बहुत फ़ायदा हासिल होगा। अगले प्रोग्राम में एक नए मौजू के साथ दोबारा हाजिर खिदमत होगा। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।